सच साहस सरोकार नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग में मैच अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, तो वहीं चुनाव का प्रचार प्रसार भी आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। राजधानी लखनऊ के पौश इलाके में शुमार आशियाना क्षेत्र के विद्यावती वार्ड तृतीय में महिला सामान्य सीट के ऐलान के बाद मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ निवर्तमान पार्षद की पत्नी को प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से चुनावी रण में उतारा गया है, तो वहीं इलाके की ही गृहिणी और समाज सेवी अनुपम वाजपेयी भी सपा प्रत्याशी के रूप में अपना दावा ठोक रही हैं। प्राइम टीवी के क्षेत्रीय जनता के इलाके के कुछ महत्वपूर्णों पर बात की गई है और निकाय चुनाव को लेकर जाना जनता का मूड। देखिए हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव अब लगभग होने ही वाला है और तकरीबन 24 घंटे बाद इसका प्रचार प्रसार भी पूरी तरह से थम जाएगा। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र के विद्यावती वार्ड तृतीय वार्ड नंबर 60 में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, समर्थक भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। पहले समर्थकों से बात करेंगे। ये बताइए क्या शुभ नाम है मैडम आपका? मंजू शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा जी। मंजू जी, ये बताइए आप लोग उतरी हैं मैडम के समर्थन में, अनुपम जी के समर्थन में, कुछ तो वजह होगी जी? इनका व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम लोग इनके समर्थन में इनको अपना पार्षद प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, जिससे ये वार्ड का अच्छे ढंग से विकास कर सके। अच्छा, ये बताइए इससे पहले भी जो पार्षद थे विकास वहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है वार्ड बड़ा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार इनको ही क्यों आप लोगों ने चुना? इनको सर इसलिए चुना गया है कि ये सभी इनकी दृष्टि में सभी जनता एक समान है, इसलिए ये हमारे वार्ड का बहुत ही अच्छे ढंग से विकास करेंगी, इससे इनके व्यवहार से सारी जनता संतुष्ट है। चलिए ठीक है, आप थोड़ा मैडम एक और थोड़ा आप साइड हो जाइए, एक और मैडम इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम ये बताइए, बहुत अच्छी बात है महिला चुनकर आई, चूँकि आप महिलाएं हैं और महिलाओं के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो घर हो चाहे तमाम चीज़ें हों, एक महिला होकर भी आप समय निकाल रही हैं, कुछ वजह तो होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि हमारे बीच का पार्षद चुन के आएगा। हमारे वजह है कि एक जो है शिक्षित समाज की स्थापना हो, बाकी सब लोगों को रोजगार हो, जो रोटी कपड़ा और मकान है उसकी व्यवस्था सबके लिए हो, बाकी जो ये पानी भर जाता है, पानी की समस्या है, ये जो है सब दूर हो। नहीं, और भी कुछ समस्याएं होंगी। देखिए रोजगार तो अलग बात है, रोजगार तो सरकार देगी, वो राज्य सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, लेकिन यहाँ जो पार्षद चुन के आता है वो जो पब्लिक की जो आम जन समस्याएं हैं उनके लिए चुन के आता है, लेकिन इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या नालियाँ नहीं बनी है, पानी नहीं निकलता, हम लोग वोट मांगने जाते हैं, बहुत लोग शिकायत करते हैं कि नए जो पार्षद पुराना था उन्होंने कुछ काम अच्छा नहीं किया, हमने कहा आपकी बार हम लोगों को मौका दो और हम लोग जो है अच्छी नाली बनवाएंगे, अच्छा विकास करवाएंगे, मौका दो। तो हम लोगों को बहुत लोगों ने शिकायत करी हम लोगों से कि जो पुराने पार्षद थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 5 साल वो रहे पार्षद, निर्दलीय चुनकर आए थे, काफ़ी अच्छे वोटों से भी जीते थे, लेकिन आप ही लोगों ने तो वोट दिया होगा? दिया तो, लेकिन उन लोगों ने नहीं हम लोगों को मौका अच्छा दिया, हम लोगों को नहीं वो लोग किया, हम लोगों को शिकायत मिल रही तो हमने इनको चुन लिया, अब हम इनको देंगे वोट। मतलब गच्चा खा गया जी, हम लोग खा गए। अब हम अनुपम बात करना चाहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, माता जी बात करने में शायद ना चाह रही हूँ, इनसे ही बात कर लेते हैं। बेटी है, बेटी आपसे बात करना चाहेंगे, आप बात करना चाहेंगी? ये बताइए आप लोग शायद वोट इससे पहले आपने शायद दिया नहीं होगा, दिया है वोट? अभी तो नहीं दिया है, अब अगले साल से देंगे जरूर। अच्छा चलिए अगले साल से देंगे, लेकिन एक मन में ख्वाहिश होगी कि क्या लगता है क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का विकास अच्छा होना चाहिए, हम लोग जो लड़कियों की पढ़ाई है उसका भी विकास अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल में जो भी हो रहा है मतलब अच्छे से लड़कियों की पढ़ाई नहीं हो रही है और टीचरें आती हैं पढ़ाई नहीं करवाती हैं, अपने अपने काम में बिजी रहती हैं, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास अच्छा हो, हमारे सेक्टर दर्ज का विकास बहुत अच्छा हो। पार्षद कैसा होना चाहिए आप? हमारा पार्षद अच्छा होना चाहिए, जो हम लोगों को समझ सके, हम लोग की दिक्कतों को समझ सके कि हम लोग जनता को क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे पहले वाले पार्षद भी तो समझते होंगे? कुछ नहीं समझते थे हम लोग, पहली बात तो हम लोग हर बार साइकिल को ही वोट देते चाहे वो जीते चाहे ना जीते।
ये साइकिल को वोट देते हैं, चलिए अच्छी बात है, वो आप लोग का एक व्यक्तिगत सोच है, लेकिन इससे पहले भी तो जो पार्षद थे 5 साल उन्होंने भी कार्य किया होगा, काम किया होगा, ऐसी तो बात नहीं है। काम तो किया है, अपना सेक्टर आई सिर्फ चमकाया है, सेक्टर एच को तो कुछ नहीं देखा है। यहाँ जो पानी भरा हुआ है, नाले गंदे पड़े हुए, कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, सिर्फ अपना बनाया है जी, सेक्टर आई को बढ़िया बनाया है। सेक्टर एच में तो हर जगह नालियाँ भरी है, पानी भरी है, सब कुछ भरी है सब। सेक्टर आई की जनता कहती है कि इस बार फिर से आएंगे जी, जनता हम लोग नहीं समझ, हम लोग समझ रहे हैं कि अब की बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव कैसा कैसा बदलाव चाह रही हैं आप? हम लोग बदलाव ये सोचना चाहते हैं कि अगर सेक्टर आई जैसे चमक रहा है, वैसे हर एक जो जो मतलब सेक्टर आई है, सेक्टर एल है, सेक्टर के है, हर चीजों को, हर चीजों को समझना चाहिए, हर जगह साफ होना चाहिए, क्योंकि सारे इंसान एक है। चलिए ठीक है, अभी माता जी आप बोल नहीं रही थी, फिर बोल रही बीच में, ना बोलिए प्लीज। मैडम एक और है, क्या नाम है आपका? शहनाज। सेना जी, विकास की बात करिए, अभी जैसे कि आपकी जो महिला साथी हैं उन्होंने बात करी, विकास की बात करते हैं तो हर एक इंसान की उम्मीद होती है कि उसका क्षेत्र साफ सुथरा हो, लेकिन क्या लगा कि इन 5 सालों में ये सब चीज़ें नहीं हो पाई क्या? नहीं हो पाई, लेकिन अब ये है, मोनू वाजपेयी जी हैं, अच्छे इंसान हैं, अब अपना खड़ा हो, हमारा सेक्टर एच का विकास हो, अब हर मतलब बदलाव होना चाहिए, ये थोड़ी ना एक ही है तो एक ही रहें, हर इंसान का जो आगे खड़ा है उसको भी सोचना चाहिए, वो भी उसको भी मौका मिले। अभी एक माता जी ने कहा कि वहाँ केवल सेक्टर आई का विकास हुआ, सेक्टर एच का हुआ नहीं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये सब तो हमें नहीं पता है, हुआ है नहीं हुआ है, फिलहाल मेरा तो कुछ नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है, लेकिन जो है अब पार्षद निधि होती है सर, राशन वासन होगा, वो तो मिला ही होगा आप लोग? नहीं, मुझे नहीं मिला है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे मोनू वाजपेयी इस बार खड़े हों, नेता बने, सभासद जीते, मतलब कुल मिला के बदलाव चाहती हैं, और जो जो खड़े हैं अनुपम वाजपेयी मैडम, यकीन भी है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, बदलाव होगा। चलिए ठीक है, एक माता जी है, माता जी इनसे बात कर लेते हैं। माता जी, आप लोग ने, आपने कई पार्षद यहाँ देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है, क्या कुछ अलग दिखेगा आपको इस बार, ये अगर चुन के आती हैं? इस बार क्या बताइए, हमारा समस्या है ये सामने नाली बह रहा है, सामने नाली बह रहा है, इसलिए हम मुन्नू वाजपेयी भैया को सपोर्ट कर रहा, जो हमारा मोहल्ला में सपोर्ट, वो नाली उली सब बन जाए। और भी तो कुछ समस्या होंगी, और क्या बात, कोई बात नहीं। माता जी शायद थोड़ा बोलने में हिचकिचा रही हैं, थोड़ा सा साइड हमको दीजिएगा, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा दे दीजिए, यहाँ पे कुछ मैडम लोग बैठी हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं। मैम बैठी हैं आप लोग, अच्छी बात है, समर्थन में उतरी हैं, कोई वजह तो होगी, बोल दीजिए, इसमें हिचकिचाने वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए अभी आप लोग उनके बैक साइड खड़ी थी, समर्थन कर रही थी, मीडिया को देखा तो आप बोल नहीं रही, ऐसा क्यों? अच्छा, बोलना नहीं चाह रही, चलिए अच्छी बात है, समर्थन इनका लगातार है लोगों का, लेकिन कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम अब जाएंगे, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अनुपम वाजपेयी, उनसे ही बात कर लेते हैं, उनके हस्बैंड हैं मोनू वाजपेयी, जो कि एक समर्थक और एक प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं। मोनू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये बताइए, अभी जनता का रिजल्ट बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाहती है, तो आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह से कॉम्पिटिशन एकदम खड़ा है? देखिए, एक तो मुकाबला हमारा बीजेपी से है, जो स्वाभाविक रूप से कड़ा है, वर्तमान में पार्टी है, उनकी सत्ता है, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि हम लोग निश्चित तौर पर विजयी होंगे, और भारी मतों से विजयी होंगे। क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश का माहौल व्याप्त है, यहाँ पर देखिए किसी भी घर में कभी सफाई नहीं होती, सब लोग 100 रुपये दे के अपने यहाँ झाड़ू लगवाते हैं। अब बताइए, नगर निगम का लोग यहाँ पे भारी टैक्स देते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे 100 रुपये दे के अगर झाड़ू लगाएं, कभी कूड़ा नहीं साफ़ होता है, सीवर लोग अपने पास से यहाँ पे साफ़ कराते हैं, 28 जमादार रख के गवर्नमेंट ने पैरल पे यहाँ दे रखे हैं, जिसमें 24 का पैसा सभासद प्रत्याशी महोदय 5 साल से खा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, और सिर्फ 4 जमादार रहते हैं, और सिर्फ उन्हीं घरों में झाड़ू लगाते हैं जहाँ पे उनके VIP घर हैं, जो ये सोचते हैं कि ये घर, ये यहाँ का मेन इलाके का आदमी है, और ये इस पॉकेट को हमारे लिए बिल्कुल मजबूत बांध के रखेगा। और गंदगी का ये माहौल है कि कूड़ा तो कभी यहाँ पे आज तक सालों में शायद 1-2 बार गाड़ियाँ आ जाएं और कूड़ा वगैरह कहीं कॉर्नर का उठवा लें, 2-2 साफ़ हो गई, कभी नालियाँ नहीं साफ़ हुई, पानी बजबजाता है, सब बिल्कुल मतलब समझिए बिल्कुल तहस नहस करके यहाँ की व्यवस्था को रख दिया है, स्पेशली सेक्टर एच को समझ लीजिए, ये मुंबई की जो मलिन बस्ती है वो बना दिया है इन्होंने, बिल्कुल गंदगी का वो आलम है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल त्राही त्राही मचा रखी है। पार्षद जी ने यहाँ पे विगत 5 सालों में किसी प्रकार का कोई भी इन्होंने विकास नहीं कराया, सिर्फ गंदगी और बस कूड़े के ढेर पे इन्होंने पूरे सेक्टर एच को बैठा रखा है।
मोनू जी, एक चीज़ पे मैं जोर देना चाहूँगा। अभी आपने कहा कि सफाई कर्मी की बात है, तकरीबन 28 सफाई कर्मी आपने कहा अलॉट हैं, लेकिन केवल 4 सफाई कर्मी ही आते हैं, बाकी 24 सफाई कर्मी कहाँ जाते हैं? उसका कुछ पता नहीं, उस 24 सफाई कर्मी का कोई पता नहीं है कहाँ जाते हैं, कहाँ सफाई करते हैं, क्या करते हैं, उसका पैसा कहाँ जाता है, इनकी जेबों में जाता है, क्या होता है। इन्होंने बहुत ही भ्रष्टाचार का बिल्कुल पूरी तरह व्याप्त कर लिया। 15 लाख रुपये पार्क की निधि लगी, हमने RTI से मांगा, 15 लाख रुपये पार्क का इन्होंने अलॉट कराया था और मात्र 1.5 लाख रुपए पार्क में लगाए इन्होंने। ना उसकी आउटर इन्होंने पाथवे बनाया, ना उसमें उन्होंने पेड़ लगाए, ना पौधे लगाए, ना कुछ किया। पूरा भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई विकास नहीं किया। जनता बुरी तरह बदहाल है, जनता परिवर्तन चाहती है और मैं आशा करता हूँ आने वाले विगत इन्होंने 13 तारीख के नतीजे में जनता इन्हें भारी मतों से हराएगी। चलिए, अच्छी बात है। वैसे एक बात तो है कि अगर प्रत्याशी की सच्चाई जाननी हो तो उसके विपक्ष से मिल लो, ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई निकल कर चली आती है। एक मैडम है, प्रत्याशी हैं विद्यावती वार्ड तृतीय से, अनुपम वाजपेयी जी, इनसे ही बात करेंगे। मैम, ये बताइए क्या मुख्य समस्या है, क्या समस्या, किन समस्याओं को प्राथमिकता देंगी अगर जनता आपके सिर पर जीत का ताज पहनाती है? मेन तो सबसे बड़ी बात है सफाई, जो गलियों में झाड़ू नहीं लगती है, ये नाली की समस्या, सीवर की समस्या, ये सब समस्याओं से मैं खुद गुजर रही हूँ। मैंने सोचा मैं खुद खड़े होकर आगे आके इन समस्याओं का समाधान करूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद सोचा कि समाज को मैं सुधार सकूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इस फैसले को बहुत अच्छा मानता हूँ। एक चीज़ और है कि यहाँ पर सफाई की बात हुई, नाली सीवर की बात हुई, तो इससे 5 सालों में इससे हुआ होगा कुछ ना कुछ तो काम? होता है, लेकिन बस वही है फॉर्मेलिटी, कि किसी ने फ़ोन कर दिया, कुछ कर दिया, तो ज़बरदस्ती का कोई आ गया, बस ये चीज़ें हैं। मतलब एक अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं ली कि हम अपने क्षेत्र की रिस्पांसिबिलिटी लें, रिस्पांसिबिलिटी नहीं कोई दिखी, तो वही आगे आके लगा कि हो सकता है इस रिस्पांसिबिलिटी को मैं कायदे से निभा सकूँ। मैं खुद इससे परेशान थी एकदम। अच्छा, एक चीज़ और है अनुपम जी, एक तरफ निवर्तमान पार्षद हैं क्योंकि निर्दलीय थे, कई प्रत्याशियों को पछाड़ कर वो जीते, इस बार वो मुख्य पार्टी से खड़े हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, और एक तरफ आप हैं, क्या लग रहा है कितना कड़ा मुकाबला? कहीं ना कहीं देखिए, एक मौजूदा पार्षद होता है उसके वोट बैंक तो होंगे और आपके भी जाहिर सी बात है क्षेत्रीय वोट बैंक होंगे, क्या लगता है कि मुकाबला कैसा होगा, कितना कड़ा दिखाई दे रहा है? अब मुकाबला तो है ही, अब जानते हैं कैसा लग रहा है, जाहिर सी बात है एक अच्छी, आप एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, परेशान है लोग उनसे, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लग रहा है जीत हमारी होगी। तो जन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि आम जो रोज़ की जन समस्या है उसको किस तरह से दूर करेंगे? अब उनकी समस्याओं को मैं खुद फेस कर रही हूँ, तो जो उनकी होंगी समस्याएं, पहली बात तो मैंने खुद जा के आप खुद ही ग्रसित हैं। मैंने खुद जा के अभी जब मैं गई हूँ तो जा के सबकी समस्याएं पूछी, जहाँ जो समस्याएं मैंने खुद माइंड मेकअप किया है, अगर मुझे मौका मिला सेवा करने का मैं ज़रूर इन समस्याओं को सुधार करूंगी। चलिए, अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल या फिर गुजारिश है, को भी जो भी कहिए, एक ये कह दीजिए अपनी क्षेत्रीय जनता से कि आपको के वोट दें तो क्यों दें और क्या वजह है जो आपको वोट दें और जिताएं? अब जो है अपने क्षेत्र का विकास करवाना हो हर चीज़, तो मैं पूरा विकास करूँगी, मुझे जिताएँ ये चीज़। एक चीज़ और है अनुपम जी, मैंने बहुत देखा है, सुना भी है, और नेता जो होते हैं वो जीतने से पहले, वोट के पहले हर घर जाते हैं, हर घर घंटी बजाते हैं, नमस्कार करते हैं, किसी पैर छूते हैं, दुआ सलाम होता है, हर चीज़ होता है, ये हमने बहुत देखा है, ठीक है। लेकिन जीतने के बाद वही नेता, मतलब समझ लीजिए एक दिशा होती है पूरब और एक दिशा होती है पश्चिम, तो वो पूरब से पश्चिम चला जाता है, क्या आपके साथ या फिर आपके दिमाग में कुछ जहन में ऐसा है, या फिर आप इस जो एक भ्रांति बनी है लोगों के दिल में कि नेता है अरे चुनाव बाद तो चला जाएगा, उसके बाद दिखाई नहीं देगा 5 साल बाद? मैं हाउसवाइफ हूँ एक, मैं खुद परेशान हूँ, इन समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। नेतागिरी तो मेरे यहाँ है ही नहीं, नेतागिरी मैं न करना चाहती हूँ, सिर्फ समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। मुझे लगा कि हो सकता है मैं ही आगे आके इन समस्याओं को दूर कर सकूँ, बस। आपकी क्षेत्रीय जनता तो आपको नेता बना रही है, लेकिन मैं तो जनता की जो है सेवा ही करना चाहती हूँ, जनता की समस्याएँ दूर करना चाहती हूँ, बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने विद्यावती वार्ड तृतीय में यहाँ पर कुछ समर्थक थे, कुछ क्षेत्रीय लोग से इनसे बात करी, और जो प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के प्रतिनिधि और उनके पति, उनसे भी बात करी। साफ साफ जाहिर सी बात है, इनका
बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकला। चाहे हमने बात करी जो समर्थक है उनसे और इनसे भी बात करी जो प्रत्याशी है, तो कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि जब वो खुद इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो वो समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ रही हैं, और अगर वो जीत कराती हैं तो जितनी भी जन समस्याएं होंगी और जो भी पार्षद निधि होगी वो पब्लिक तक पहुंचाने में पूरा कार्य करेंगी। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। नगर संग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।